क्या चल रहा है गाइस? अंदर आ चुके हैं G20 यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि सिस्टम भाई खाना वाना खा गई है अपने भाई बैठे हुए। हेलो जी, नमस्ते सबको, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया। तो गाइस, आज जाना है G20। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया, पिछला व्लॉग से याद आया भाई, अभी तक एडिटिंग भी नहीं हुई है। रात को जन्माष्टमी बनी, मतलब जन्माष्टमी का व्लॉग नहीं बनाया और जो एडिटिंग करनी थी वो भी नहीं हो पाई। अभी कर रहा था बैठ के, पर अब G20 के लिए निकलना है तो अब रास्ते में देखता हूँ, जो होगा होगा। बाकी गाइस, 3 दिन मैं कहना चाहता हूँ कि गाइज बहुत ही ना कम चीज़ें दिखाऊंगा मैं, क्योंकि हमसे कंसेंट फॉर्म साइन कराया है एक, कि अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन लीक होती है तुम्हारे थ्रू सोशल मीडिया पे डाल के या कैसे भी, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उसके लिए। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और मैं सबसे बड़ी बात ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से कुछ मिस हैपनिंग हो जाए G20 इवेंट में ओवरऑल। चलो तो भाई, बैग उठाएं और जल्दी चलें, जल्दी से चलते हैं कॉलेज, फिर वहाँ से बस निकलेगी। चलो जा रहा हूँ मैं, बाय बाय 3 दिन के लिए। अब 3 दिन के व्लॉग में ऐसा भी हो सकता है कि मैं 3 दिन डालूँ ना और फिर उसके बाद डालूँ G20 के व्लॉग्स, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। और बहुत ही रिजर्व्ड व्लॉग बनेंगे, मतलब सीक्रेटली, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें पता ही है थोड़ा पॉलिटिकल मामला है, तो कुछ रिस्क नहीं ले सकते, अपने व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकते। तो अब चलते हैं, ड्राइवर भैया के साथ जा रहा है कॉलेज और फिर वहाँ से बस जाएगी G20 के लिए। वो पहले वेन्यू दिखाएंगे शायद हमें, और फिर होटल में रुकवाएंगे जहाँ पे हम स्टे करेंगे। American. First team, bitch. भाई पुष्कर, क्या हाल है? नो वीडियोग्राफी, नो फोटोग्राफी। यहाँ तो चलेगी, यहाँ तो कॉलेज है बेटा, यहाँ तो धर लूंगा तेरे को, यहाँ तो कॉलेज है। कितना हल्का है तेरा, इसमें कुछ लेके भी आए? अबे भाई मेरा सामान है, अब देख तेरा तो भोपाल। जाओ भैया, जाओ घर जाओ। भाई मैं तो भोपाल के हिसाब से बैग लाया हूँ भाई, वेनिस जा रहे थे पहले। टूर करा रहे हो? देखो यार क्या हाल है भाई। भाई मेरा बैग रख दे भाई, मैं माफ करूँ भाई, इसका टेस्ट नहीं होता, स्काई बैग कैसे लात मार के टेस्ट नहीं करते? इस वाले का कर ले, किसका है पता नहीं। गाइज अब हमारी ब्रीफिंग हो रही है और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, और व्लॉग थोड़ा थोड़ा ही करूँगा मैं, क्योंकि सीक्रेट मामला है। हम जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए CBI की। पुष्कर के मोटापे का राज। हंसी आ गई बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा हंसी आ गई। चलो चलो, हर्ष कहाँ गया? अच्छा, ओ भाई रिकॉर्ड हो गया। भाई ये मिला मेरे को, ग्रीन वाला घर है बाद में देंगे। ले ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा इनको, मुझे ब्लू वाला बाद में देंगे। हाँ भाई बंच, ओ भाग जाए यहाँ से, मजाक कर रहे हो यार। अबे यार पुष्कर को छोड़ गए तो मेन पार्टी को। क्या बोलूं? भाई बहुत गर्मी है यार, सीरियसली होता हूँ, बहुत गर्मी है। बाकी तो स्मार्ट तो लगी, कैमरा खोलते ही रोता क्यों है? मैं स्मार्ट लग रहा हूँ भाई। भाई हम प्रगति मैदान में आ चुके हैं। यस, और ब्लॉग स्मार्ट लग रहा हूँ। अबे रुक जा, ब्लॉग है सारे ऐसे ओपचे में करना पड़ेगा। गाइस अगर तुम्हें कोई दिखे मेरे लायक कोई अच्छी सी लड़की तो टैग करो, मेरी आईडी है तो मत करना साले को टैग। गाइस लंच चल रहा है अपना, कैसा है भाई लंच? क्या बनाऊं? क्या चल रहा है गाइस? अंदर आ चुके हैं G20 यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि सिस्टम भाई खाना वाना खा गई है अपने भाई बैठे हुए। बढ़िया, ये पुष्कर भाई बैठे हुए, ये रहे पुष्कर। चलो चलो गाइस जाते हैं। पुलिस वालों क्या लगी था गाइस? दिन हुआ पूरा,
और आशिफ कुछ बोलना चाहता है यहाँ पे। हम एक घंटे से खड़े हैं और हमारी बस नहीं आई और एक कॉलेज के बच्चे ऐसे आए और उनकी बस सामने खड़ी हो गई। इज्जत है भाई उनकी, उनकी फैकल्टी भी साथ है, हमारी फैकल्टी बस बस ये रहने दे। फर्स्ट डे कैसा था भाई, काम कितना हुआ? काम तो कुछ नहीं था, थक गए खड़े खड़े। हाँ बस भागा थोड़ी ज्यादा, बाकी अंदर का ब्लॉग तो बन ही नहीं पा रहा। और वो कह रहे हैं कि अगर इवेंट हो भी जाएगा ना खत्म, तब भी नहीं डाल सकते तुम वहाँ की फुटेज, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। हाँ तो इसलिए मैं अंदर का नहीं बना रहा, और अगर बनाया भी होगा तो डालूंगा नहीं। अगर आम में से कोई यहाँ पर आ रहा है तो ना आइए, हमारी बस रुकी हुई है। यस हाँ, तो कल तो जाम रह गया, कल तो बंद ही कर देंगे एंट्री भी। हाँ अभी अभी का जाम है, तुम ट्रैफिक देखो। सब रील बनाने आ रखे हैं क्योंकि पूरी दिल्ली सजी हुई है ना। ये देखो ये जाम लग रहा है यहाँ पे। सब बोल अगर हम रीलों में देखें तो लाइक करना। सब अपनी गाड़ियों की सनरूफ से निकल के वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पे हम मजदूरी करके खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं बस के आने का। ये पीछे से क्रेडिट देना है कि मैं भी आऊंगा। ये हमारे पुलकित भाई हैं पर इस बंदे की तबीयत से खराब हो गई, ये काम तो कुछ करा नहीं। क्या हुआ भाई? ये हमारे सुमित भाई हैं, इनकी तबीयत खराब हो गई। इनसे इनको हमारी फिटनेस बना दी मैंने, इतनी फिटनेस बना दी, भाई की तबीयत थोड़ी डाउन है सीरियसली। अरे ये तो रह गया सीरियसली। आप कुछ कहना चाहते हो? पहाड़गंज के होटल में सबने चेक इन कर दिया गाइस, और अब निकले सब खाना पीना खाने। तुम्हें मैं एक बात बता दूं, सुनो माँ की कसम, होटल में वो जब हम काम कर रहे थे लग रहा थक गए, अब ऐसे लग रहा है पिकनिक बनाने आए सिस्टम है। बन रहा है साला पागल भाई। एरिया थोड़ा गंदा है पर हम भी हैं 8-7 तो इतना डर नहीं है, बाकी ज्यादा ही है 9-10 हैं लौंडे तो इतने डर नहीं है। बाकी अब खाने का ढूंढ रहे कुछ, बाकी ऑलमोस्ट सब बंद हो चुका है, बट तब भी जल्दी उठना है भाई। अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन यहाँ पे इसके होटल के बहुत पास है, तो हम सोच रहे हैं यहीं से मनाली निकल जाते हैं, खाते हैं। जो भी गए मैं तो तुम्हारा शेयरिंग करूंगा। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ। चले चले मनाली निकल जाते हैं, G20 छोड़ आ जाएंगे, सुबह वापस आ जाएंगे। वो बोलेंगे ऐसी बातें करते हैं ना कुछ टाइम में, भाई आगे कह देंगे यार तू खा ले। तो क्या क्या बोला? दो दाल फ्राई, मटर बिल पे कर रहे हो तो भाई से नहीं पूछा। मेरा पेटीएम के पैसे में तो बिक गया, बिल लाने से पहले स्प्लिट मार दूंगा मैं तो। इतने हैं सबके, निकालो वरना। और क्या साले सबका स्प्लिट ही होना है। अगर पानी पी के चलूं क्या? अक्षत कुछ बोलना चाहेगा आशिफ के लिए? देखो कोई मैं क्या बोलूं, मेरे तो कमेंट्स हो आपने भाई को। नॉर्मल चिंता क्यों कर रहे हो, जब व्लॉग से पैसे आ रहे हैं तो पार्टी पूरी देगा। अर्ज भाई बिल की चिंता मत कर, व्लॉग से पैसे आ रहे हैं, इस व्लॉग से भी सारे। अगर 1000 लाइक हो गई इस पे, एक जगह बोलिए, 1000 लाइक आ गई तो पूरी पार्टी गौतम देगा, अगर नहीं आई तो हर्ष देगा। जब टेबल पे बिल आया ना तो आसिफ के अलावा किसी का हाथ उठना नहीं चाहिए। मेहनत इस कदर करी है कहा आसिफ ने, कसम वहाँ बैठे हो इतनी देर से, बिल बिल की जब बात चली यहाँ उठ के आ गया, कह रहा मैं नहीं खा रहा। अबे वहाँ के बोल रहा है पानी की बोतल पूरी भरी है।
भाई मैं तो सूंघ लूंगा तुम्हें। पंजाब के होटल वाला नहीं उसका, कोई ऐसे ही भूखा रह रहा होटल वाला, बता सकते जाए से ज्यादा 50 रुपए पर शेयर आने वाले। हां और क्या यार, पागल आ गया भाई, शेयर वाला बंदे नहीं हूं यहां पर, सब मिल गया पूरा देगा भाई। भाई पैसा आ गया, बहुत बुरी बेइज्जती करी, तेरा कॉन्फिडेंस चला था, मुंह के बैठ जाता है। भैया पर मुझे ना पहुंच चुके हैं होटल, तो तुम्हें कमरे का टूर तो दे दूं। ये देखो गाइस, ये यहाँ से हमारी एंट्री है, ठीक है, और यहाँ पे आते 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 ये हमारा ये लॉबी एरिया है, और ये हमारा स्लीपिंग एरिया है। यहाँ पे चार जने हम, हर्ष, अक्षत, जुबिन और मैं। मोहित अभी हमारे रूम में आ रखा है, पर इसका रूम ऊपर है, तो यही है हमारा 3 दिन के लिए घर, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बाकी के हिसाब से बड़ा है, हाँ सबसे बड़ा रूम है, पर हमारा वॉशरूम भी ये तो रहा, ये वॉशरूम है और क्या, एंट्री बोलो एग्जिट लग रहा है नहीं वो है। तो गाइस भाई, ये था मेरा डे 1 G20 में, एंड अब डे 2, 3 और 4 मैं एक ही व्लॉग में बना दूंगा, क्योंकि ज्यादा शूटिंग नहीं हुई थी। बट भाई कल के व्लॉग को ज़रूर देखना, क्योंकि भाई हमने, मतलब मैंने एक्सपीरियंस करा अपनी आंखों से जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी जी को अपने व्लॉग में मैं डालूँगा। मतलब मैं ऑब्वियसली सेम फ्रेम में नहीं हूँ उनके साथ, पर हाँ मैंने शूट ज़रूर करा है वो वाला सीन, तो वो भी डालूँगा मैं व्लॉग में। एंड मस्त पूरे 3 दिन का जो भी एक्सपीरियंस था सब शेयर कर देंगे G20 का। एंड ये वाला व्लॉग था फर्स्ट डे का, तो आपको पता ही चल गया होगा मैं 3-4 दिन से कहाँ बिजी हूँ। मैं G20 में गया हुआ था काम वाम करने, तो इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा था, मैं एक्टिव नहीं था। बट अब मैं वापस आ गया हूँ, एंड रोज़ आ रहे हैं व्लॉग्स, तो देखते रहो भाई रोज़ 10 बजे @ गौतम आदरे व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। एंड उसी के साथ यहाँ होता है आज का व्लॉग समाप्त। ये था आज का व्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे कल। इट्स मी गौतम आदरे साइनिंग ऑफ, बाय बाय, राम राम सबको। लड़खड़ाता हुआ जाम ढूंढ रहा हूँ, सूरत से मुखातिब मैं वो शाम ढूंढ रहा हूँ, मंजर मेरी